अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। तो मैडम इस वक्त कर रही हैं सफाई यहाँ की, और सारा धो दिया है इन्होंने, और उधर कपड़े भी धो के वो लटकाए हुए हैं उधर। मिल मिला कर ना, सबने काम किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो जी रात आई है बारिश, और बारिश ने पूरे घर का किया हम लोग बता। तो अब पूरा घर धुला है, धोकर वहाँ से वाइपर वगैरह लगाए। अभी तो गीला भी है कुछ, अभी तो गीला है, अभी रह गई तो बकरी वाली साइड रखी हुई है सफाई करने वाली ना। जी जी, तो कपड़े डालने हैं। हाँ, औरत की जिंदगी, औरत की जिंदगी कामो काम ही है, और क्या है। ये कपड़े तो रात के गीले थे। अच्छा, तो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए, मैंने कहा ये खुश्क हो जाए। अच्छा, ये रात उतार दिए थे। थे गीले वाला। अच्छा चलो, आप डालो ये कपड़े। ठीक है, मैं जरा बकरी का घास ले आऊं पहले। आप? हाँ, वो बैठा हुआ कपड़े पहन कर। हाँ, तो उसने जाना है ना मेरे साथ, जाना है मेरे साथ। मुझे कह रहा है कि हेलीकॉप्टर ले आओ। अच्छा। हवाई जहाज, सॉरी, हवाई जहाज ले आओ, हम हवाई जहाज पे घास लेने जाएंगे उड़ के। वो कह रहा, वो खड़ा तो है हवाई जहाज। अच्छा जनाब, तो वो कह तो सही था। हाँ जी, हाँ जी, मोटरसाइकिल गरीबों का तो हवाई जहाज मोटरसाइकिल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, आप कर रही हैं? हाँ जी, लेने के लिए जा रहे हैं घास। ठीक, उसके बाद हालांकि मैंने परसों कपड़े सारे फोल्ड करके रखे थे, लेकिन वो फिर रोजाना धुलते हैं, रोजाना इनको उठा के रखते हैं। ये फिर मैं बाद में इनकी तह लगाऊंगी। और उन्होंने इधर देखो, मैं तो देखो, कहाँ जा रहे हो? घाच लेने। घास लेने किसके ऊपर जाओगे? यार घास लेने किसके ऊपर जाओगे? हवाई जहाज ले जी आप। हवाई जहाज के ऊपर कपड़े मैंने यहाँ पर ना सूखने के लिए डाल दिए हैं, कि कपड़े सूख जाए। और अपने बहन भाइयों को दिखा दूँ, जैसे यहाँ से हम फर्श वगैरह धो रहे थे ना सारा, तो मैंने साथ ही पौधों में ना पानी लगा दिया हुआ था। मैंने कहा ये पानी भी लग जाए साथ, ये काम भी साथ में हो जाए। अब सिर्फ रह गया वह बकरी का घास, वो भी आ जाएगा। अब धूप देख रहे होंगे आप, बड़ी कड़क कड़क नहा धोकर चढ़ी आज तो। किचन के भी सारे काम काज हो चुका है भाई, यहाँ से सारी सफाई और काम टोटल हो गया हुआ है यहाँ का। अरे धूप में निकलने को दिल भी नहीं चाह रहा, तो दिल करता लेट जाए। आटा भी गूंद लिया? जी जी। अच्छा, खैर है, तुमने अपने पास स्पाइडरमैन रखा हुआ है इसका? ये इसका स्पाइडरमैन रखा हुआ है। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन उल्टा रुमाल दिया है। ये वहां रखो, और मैं देखती हूँ अब। आइए चलो, मौसम भाई हालत ही ऐसी बड़ी है कल की बारिश से, क्योंकि रात सारी रात ठंड रही है, और ये पंखा नहीं चल रहा था, ये पंखा नहीं चल रहा था रात। बड़ी दूध देख लें, ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है कोई दूध शूद ना, दूध आएगा। चले, इसकी तो अब चाय शाय बन जाएगी, थोड़ा सा इनके लिए पीने के लिए निकल आएगा इनका। चाय तो आप और मैं पीते हैं। हाँ, थोड़े से की चाय बनेगी, थोड़ा सा इनके लिए बच जाएगा बस। चले, मैं फिर ऐसा करता हूँ, मैं घास भी लिया और दूध भी लिया। आलू रखे मैं, लेकिन है थोड़े से, जो आप सोच रही हैं ना वो नहीं होगा उसमें।
आप उसे वैसे पराठे के साथ खा सकती हैं, लेकिन पराठे में भर के नहीं खा सकती। चलो बच्चों को तो भर के दे दूंगा। हाँ बच्चों को भर के दे देना। एक पराठा बना दो इसका, एक पराठे जितने ही आलू हैं। एक तो मक्खी ने कसम से कर दिया। अभी अलग है, साफ सफाई की है और कितनी सफाई की है आपके सामने। बहन भाई ये यकीन माने ऐसे सारा फर्श धुला और यहाँ पे मैंने सारी काटी है मेरे भाई। लेकिन मक्खी नहीं खत्म हो रही। मगर मक्खी कह रही मैंने तुम्हारा देना ही क्या। नहीं मैं तुमसे लेती हूँ, तुमने मेरा देना है बड़ा कुछ। कोई नहीं होता रहता है ये। हाँ लड्डू अंदर सोया हुआ है। ठीक है तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ जाके घास ले आता हूँ और दूध ले आता हूँ, आप इतने ही कर लो। फिर मम्मा जी ने सारे भी गरम कर दिया है। वो गरम इसलिए किया कि उसमें डालना है ना, मैंने कहा आप लोगों को बना दूंगा। क्या जी मम्मा? आलू डाल के पराठा। तवा मैंने धो दिया और इधर पापा जी घास लेने के लिए गए हैं। इधर ना ये पेड़े मैंने करके ना इसमें रखे क्योंकि मक्खी ज्यादा है ना। मैंने कहा ये वाले पराठे बना लिए, चौदस खा खा के भी तंग आए हैं। ना वो ये आलू अचारी मैंने बनाई थी, अब तो फिर काल आ गई, फिर से काल आ गई। पापा के फिर दे जी मम्मा जी पराठे बन गए सारे। सारे पराठे बन गए, दो आलू वाले बन गए आपके, आपको और कौन मामा और मेरा और पापा का टेंशन वो ऐसे बन गया। ठीक है ना? ठीक है। अब तो खुश हो जी? बड़े अच्छे के बाद के अक्षर को आलू वाले पराठे मिल रहे हैं। गर्मी इतनी है कि पराठे बनते ही कम है घर में ना, तो पापा इनके घास लेके आए हैं, वो घास डाल के अपने बकरी के पास चले गए। अब मेरे ख्याल है वो दूध लेने गए। पता नहीं बताया कि नहीं गए, वो दूध ही लेने गए होंगे मेरा अंदाजा तो नहीं। गर्मी गर्मी ने आज पूरा हाल किया हुआ, क्यों कि रात बारिश हुई ना, अब वो जमीन से तपिश तो निकल गई। बारिश मांगे मांगने के बाद भी गए, बारिश ना आए हम तब भी वो कहते हैं ना, सही कहते हैं कि इंसान ना शुक्र। अब आपको तो लगी होगी भूख बहुत ज्यादा है ना। चलो करो बस। तो जी सब यहाँ पे बैठ के ना नाश्ता लगे करने और कैशन ना चाय डाल के ले आई है, चाय बन चुकी है और ऑन मोहम्मद इधर बैठा हुआ तो दूध आ गया हुआ है ना। दूध आ गया, गर्मी बहुत है। अच्छा है तो सही, गर्मी बहुत ज़्यादा। यकीन माने मैंने नाश्ता बनाया ना, इतनी बुरी मेरी हालत हुई है, करने तो से शरारते वो ऐसे करता रहता है, बहन भाइयों को पता है। तो मेरे कपड़े फुल भर गए, ऐसे लगते जैसे को मैं नहा के आई हूँ। हाँ दोपहर में भी नहा लेना ना, सुबह भी नहा लियो और दोपहर में भी नहा लेना। चलें आप आ जाएं नाश्ता कर लें। मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है।
मेरा शहजादा नाइया का क्या गया हुआ है? पापा भी मेरा थप्पड़ मारा था। किसने? इन्हें मोबाइल जमीन पे मारा था। अच्छा, कैसे से जूता पकड़ो मेरा बेटा, वो जूता लिए फिर रहा है और ये नाक कदा है, इसने सादा पानी पानी किया यहाँ पर। लड्डू लड्डू खेलता फिर रहा है। अच्छा, किसने किन्ने मारा था? कैक्शा ने मारा था। मैं अभी को खर्ची के पैसे नहीं दूंगी, सौ वाला मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी इसे। देखो मैं सौ वाला आपको दूंगी, ठीक है ना? सौ वाला, सौ वाला मुझे देना। दफा पे देना, इसको दफा पे दे दूंगी। और अंग बंगे किसको दूंगी? अंग बिरंगा, अंग बिरंगा किसको नोट दूंगी मैं? तो मैं खा लूंगा। आप खा लोगे? वो आ गया मारने के लिए, वो आया। अच्छा उधर टिक जाएगा, आप इसको इतनी जोर से थप्पड़ मारोगे तो मेरा शहजादा वो छोटा सा पादा पादा सा भैया है, वो कहता है ये ऐसी चमाट मारूंगा कि दीवार में चिपक जाएगा। दसनी यहाँ से धोया ना कुछ पानी, वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, और कुछ ये आया ना आकर तो इसने किया। अभी ये कपड़े सारे समेटती हूँ क्योंकि कल आ गई थी बारिश, उठा कर सारे कपड़े अंदर रखे थे ना, फिर वो दूसरे कपड़े जिनसे धुले हुए थे वो मैंने यहाँ पे दरवाजे पर लटका दिए थे, वो भी सूख रहे हैं। लड्डू ए मिले शन लड्डू, बेटा खेल रहा है गन के साथ, ये देखिए गन इसके हाथ में, अरे ऑन मोहम्मद की ये पिस्तौल ली हुई है इसने। और मैडम मेरी इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? कपड़े छाट रही हैं। हाँ जी। अच्छा, ये आपकी लूंगी। हाँ लूंगी और लूंगी। हाँ लूंगी लूंगी, क्योंकि रात को सिर्फ पहन कर सोता हूँ मैं, इसको तो सिलाई लगने वाली है। ये ठंडा है, कॉटन का है, ये उस दिन बैठने लगा तो धड़ गया था, ये गीला होने की वजह से। तो जी मैडम जो है इस वक्त रख रही हैं, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ तो कर रही थी, कैसे कर रही थी? नहीं बताना जरा। नहीं आपके बारे में कुछ भी नहीं कह रही थी। नहीं नहीं वैसे कर क्या रही थी? क्या निकाले में? तीन तीन टॉवल। अच्छा, एक दो, एक मैंने रख दिया, दूसरा भी रख दिया जी, तीसरा बाहर रहने दिया, एक बाय देना और मोहम्मद का। उन्हें आते ही कहना होता है मोहम्मद थोलिया थोलिया जी, दो थोलिया थोलिया थोलिया। उस दिन रात को सोया है तो मुझे कह रहा है कि पापा मम्मा का बत्ता कहाँ है? मम्मा का दुपट्टा। क्या चीज? मम्मा का दुपट्टा। दुपट्टा। अच्छा जी। और ये शरारती बिल्ला यहाँ पर है, ये देखिए किस तरह शरारते करता है, शरारते ही शरारते करता है। लड्डू ये मिले, लड्डू ये मिले, लड्डू ये मिले बाबा। और ये मैडम दुपट्टा, ये दुपट्टा ही है? दुपट्टा नहीं, क्या है? हाँ झूले का दुपट्टा, ये झूला इस साइड पे बांध देना इसके। तंग करता है फिर बाद में, झूले के बिना सोता नहीं है ये। हमें पे दो झूले हो जाएंगे। खैर है बेटा, वो घसीड़ के चरपाई कभी इधर करनी पड़ती है कभी उधर। अब यहाँ कम से कम हवा चल रही होगी ना, तो ऐसे ही जो है इसको लागे लिटा दिया करेंगे फिर। ठीक है जी, हाँ इसे बांध लें आप। के बाद यहाँ से समेटा समाटी जो है शुरू की जा रही है, और मैडम यहाँ धोएंगे बर्तन ऐसे ही। अच्छा बलबद्दी कह दिया, क्या हुआ कि मैडम धोएंगी बर्तन? नहीं आप, यार मर्जी है यार, अभी इतना सारा बर्तन तो मैंने धोया, मैंने आप कहती हो तो मैं ये भी धो देता हूँ। मम्मा जी 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 सर, ये आटा चले छोड़ दे फिर आप ये बर्तन ना। नहीं नहीं मैं धो लेती हूं। और नहीं सरकार अभी इतने बर्तन नहीं है, मैं धो लेता हूँ। जनाब आप धुल जाएंगे ना तो सही रहेगा। हाँ साथ साथ धोते रहो ना, परेशानी और टेंशन नहीं होती फिर। दूध के ऊपर ढक्कन दे दिया गया, इसमें देख लो इसमें क्या है, इसमें कहीं दूध शूद ना हो। नहीं ये आटा ना मैं ऊपर यही बोतलों के ऊपर बोतलें तो भर के रखनी है।
ये नीचे रख लो अब। ये दूध इसमें किसने निकाल के रखा? ये कैक्शन ने निकाल के रखा था मैंने। अच्छा एक बात कहो। हाँ जी। ये काम चेक करें, पता नहीं ये इतने इतने से आटे तक जाते हैं। ये आज भी मैंने इनका चार दिन से रखा। अब इसके वजह से ये मधुसूदन सालन की खराब होती है वो चीजें दूध वगैरह ये। वो काम मेरा बेटा बहुत है। चल आप करें फिर। जब नीचे की बेड भी करनी होती है ऊपर रख के तो ना रखा करें। सही बात। यहाँ पर सो कर उठ गया होगा तो मौसम भी बड़ा प्यारा प्यारा सा हुआ है और कपड़े मेरे ख्याल से हमारे सूख जाने चाहिए। बादल देख रहे होंगे आप सर जी, बादल तो काफ़ी आ रहे हैं। आप अच्छा आप इधर से सफाई कर रहे हैं? तैयब भी आया हुआ है आज। तैयब पर सात दिन कहाँ रह गए? आज आया ही नहीं। मैंने कपड़ा नहीं पर क्या बात है जी। खैर आज नाराज़ हो? अच्छा तबीयत खराब हो गई स्कूल में। वाह जी, ले मैं यहाँ से ना ये कपड़े सारे उतार लो। शुक्र है ये सूख गए कपड़े, वरना तो जो कल मेरा हाल हुआ है आज इसीलिए ना मैंने नाश्ते से पहले कपड़े धोए। मैंने कहा नाश्ते से पहले कपड़े धुल जाएंगे ना, कपड़े सूख जाएंगे, मुझे ये टेंशन तो नहीं होगी कि मैंने उतारना है इनको अंदर रखना है, कपड़े गीले हो जाएंगे बारिश में और उनमें स्मेल हो जाएगी। पहले कोई नहीं, तो अभी बारिश आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मगर पता नहीं क्या बात है इन पे फूल नहीं आ रहे, जो आते भी हैं तो वो चिड़ियां खा जाती हैं। आखिर चिड़ियों का भी तो वेट है ना। जनाब कितने दिन से बाजरा ख़त्म है? मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ कि बाजरा ला दें, लेकिन आप बाजरा लेकर ही नहीं आते। और हवा कितनी प्यारी प्यारी, बड़ा प्यारा प्यारा मौसम हो गया जी। किस पे से मिलता है? अनवर भाई पे होता है, मुझे क्या पता था। फिर चल मैं फिर तैयब से मंगवा लेती हूँ। तैयब दवाई ली आपने? तो कल मेरे सर में दर्द करके गए थे ना, मैं कल मेरे बहुत सर में दर्द किया यकीन माने। जो बोला है ये जो बोला है, मैंने कहा बोलते रहो। हाँ लेकिन इसको मैंने ये कह दिया था कि काम करना चाहते हो ना मुझे दो पैनाडोल लेके दे के जाना, मगर नहीं लेकर दे के गया ये। न बैठे हैं जी बारिश की आस में, हो सकता है कि बारिश आ जाए आज। क्यों जी? हाँ जी बारिश आनी तो है। मैंने कहा पहले यहाँ से सफाई कर लूँ, ऐसा ना हो फिर यहाँ सारा गीला हो जाए। जी जी यहाँ की सफाई भी ना हो पाए। चले अब सफाई करें, मैंने यहाँ से कपड़े उतार लिए, मैं इनको फोल्ड कर लूँ। ठीक है ठीक है।